विज्ञान भैरव तंत्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम शिव और पार्वती के बीच के संवाद की बात करेंगे, जिसमें ज्ञान, मुक्ति या मोक्ष पाने की 112 विधियों का वर्णन है, जो भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए। तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं। तंत्र के मामले में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। ज्यादातर लोग तंत्र को संभोग से जोड़कर देखते हैं। हालांकि तंत्र का मतलब होता है तरीका, विधि। तंत्र की इन विधियों में ज्यादातर जो चर्चा हुई है वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग है। विज्ञान भैरव तंत्र की सभी विधियों में परम ज्ञान को पाने के मार्ग हैं, और उन विधियों के बीच आपको बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे साधक भटक जाता है, जैसे तांत्रिक विद्या, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि। परंतु विज्ञान भैरव तंत्र का यह उपयोग नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य तो परम ज्ञान पाने का है। तो चलिए आज विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों में कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। बाकी विधियां आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो पहला मार्ग है कर्म मार्ग में सांस की धारणा का। जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं, जिसे रेचक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में उसे प्राण श्वास कहा गया है। मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है सांस को छोड़ना। और ठीक वैसे ही श्वास को अंदर लेने को हम सांस का लेना कहते हैं, जिसे पूरक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में इसे अपान श्वास या जीव कहा गया है। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद कुछ देर रुकते हैं, और ठीक वैसे ही जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते समय फिर हम कुछ देर रुकते हैं। तो श्वास को भीतर लेने के बाद रुकना और श्वास को छोड़ने के बाद जो रुकना होता है, यानी आती जाती सांसों के बीच में जो गैप है, जो एक अंतराल है, एक ठहराव है, उसे कुंभक भी कहा जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 5 धारणाएं श्वास पर हैं। भैरव यानी शिव कहते हैं, ऊर्जा के बनने और बिखरने के स्वभाव से ही बाहर आता हुआ श्वास और अंदर जाता हुआ जीव श्वास निरंतर चलता रहता है। इन दोनों ही श्वास की उत्पत्ति बिंदु पर भैरव की शक्ति की भावना करने पर उसका भैरव स्वरूप प्रकट होता है। दूसरी धारणा, अंदर आती हुई श्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाती हुई सांस बाहर जाने के बाद एक क्षण के लिए विलीन हो जाती है। उस मध्य स्थिति का विकास करने पर चेतना का भैरव स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तीसरी धारणा, श्वास रूपी प्राण शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आए, उस मध्य स्थिति को विकसित करने पर साधक अपने भैरव स्वरूप को पहचान लेता है। चौथी धारणा, बाहरी कुंभक और अंतर कुंभक की मध्य स्थिति के विकास करने पर प्राण और अपान शांत होने पर चंचलता शांत होकर चेतना का शांत स्वरूप प्रकाशित होता है। तो पहली ये चारों धारणाएं श्वास पर हैं, एक जैसी ही प्रतीत होती हैं। भगवान शिव इन धारणाओं के बारे में बताते हैं कि ऊर्जा के स्वभाव की वजह से ये सांस चलती रहती है। श्वास कहाँ से शुरू होती है उस पर विचार करने से परम ऊर्जा के बारे में ख्याल आता है। यानी अपनी श्वासों पर ध्यान दें कि वह कैसे चल रही है। आज की हमारी इस बिजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि ये कहाँ से चल रही है, कहाँ से आ रही है। आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं, दोनों के बीच में कितना अंतराल है, इसे प्राकृतिक रूप से देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस रुकने पर गौर करें। ऐसे ही श्वास को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें, वहां ध्यान दें। श्वास को रोकते समय आपके भीतर क्या क्या होता है उसे देखते रहें। इस पर ध्यान देने से आपका मन शांत हो जाएगा। और हम जिन भौतिक बातों के लिए दौड़ते रहते हैं वह सभी भौतिक चिंताएं कम हो जाएंगी। जैसे ही हम शांत होकर बैठेंगे हमारी बहुत सारी परेशानियां कम होने लगेंगी, और धीरे धीरे परम ऊर्जा या भैरव स्वरूप क्या है उस बारे में हम जानने लगेंगे। देखिए, श्वास की इस प्रक्रिया से आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी,
आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप दो चार दिन बैठेंगे और सांस का ये प्रयोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है। श्वास के बीच की स्थिति को पकड़ने में देर लगती है, और जब आपका मन और आपके विचार शांत हो जाएं, तभी समझना कि आपने बीच की स्थिति पकड़ ली है। आपके मन में विचार चल रहे हैं, या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ अब मैंने बीच की स्थिति पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शून्य की अवस्था में हूँ, तो इसका सही अर्थ यह है कि आप अभी बीच की स्थिति में नहीं है। ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोखा है। अब श्वास की पांचवी धारणा, प्राण और अपान वायु के आने जाने के सभी द्वार बंद करके उसकी गति रोकने पर शरीर में चींटी चलने जैसा प्राण के ऊपर उठने का अनुभव होता है। उससे चित्त परम आनंद से भर जाता है। अर्थात जब आप अपने मुंह और नाक को बंद करके श्वास रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, शुरुआत में ये आपसे आसानी से नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जब आप श्वास को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो श्वास के ऊर्जा के उस फोर्स से आपके शरीर में चींटी चलने जैसा अनुभव होगा। उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विकसित करने से आपको आनंद मिलेगा। ध्यान देना, इन सभी धारणाओं में याद रखना है कि हमें केवल धारणा करनी है, यानी इन सबको बिना तर्क लगाए गहरे में मान लेना है। फिर इसमें परमात्मा से जो भी अनुभव मिलना होगा वह मिलेगा, और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं कर सकते। परमात्मा रूपी अनुभव ये हमारे हाथ में नहीं होता, जब उसकी कृपा होगी तब ये हो जाएगा। आपको केवल क्रिया करनी है, यह विधि करनी है, और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है, बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ देना है। और दूसरी बात, ये सब करके हम केवल शांत होंगे और उस परम ऊर्जा को जान पाएंगे। इससे कोई भौतिक लाभ या सिद्धियों की आशा मत करना, और इन विधियों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहें। तो विज्ञान भैरव का ये पहला भाग था जिसमें श्वास के ऊपर पांच धारणाएं थीं। याद रखना, इन पांचों धारणाओं को आपको भीतर से मान लेना है, और फिर इसे प्रयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वयं से जानना है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप अध्यात्म से और गहरा जुड़ सकें तथा इसमें गहरा उतर सकें। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा आपका मित्र। आज हम चर्चा करेंगे और एक सूत्र के बारे में, विज्ञान भैरव तंत्र शास्त्र से। इस सूत्र में सिर्फ कहते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। नित्य जीवन क्या है, और क्यों कहते हैं शिव कि प्रेम किए जाने के क्षण में, ध्यान किए जाने के क्षण में नहीं कह रहे हैं शिव, प्रेम किए जाने के क्षण में कह रहे हैं। प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? शिव को तो हम महायोगी, आदि योगी, परम योगी, श्मशानवासी, इस प्रकार के संज्ञा उपाधियों से विभूषित करते हैं, तो शिव प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन आप देखे होंगे कि शिव हरदम पार्वती के साथ रहते हैं। शिव पार्वती विराजमान जब होते हैं, उनका जो प्रेम है वो छलकता है। अर्धनारीश्वर जो फोटो है शिव पार्वती का, वो किसी देवता का, किसी भगवान का नहीं है, खाली शिव का है अर्धनारीश्वर। शिव कह रहे हैं प्रेम के बारे में, कहते हैं कि प्रेम किए जाने के क्षण में, व्हेन यू आर मेकिंग लव, मोहब्बत में या संभोग के क्षण में, जिससे आप प्रेम करते हैं, जब आपके साथ प्रेम में आबद्ध होते हैं, आलिंगन में, चुंबन में या संभोग में, तो उसमें ऐसे प्रवेश करो, ऐसे उतरो, ऐसे करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। प्रेम, लव, बाइबल कहता है लव इज गॉड, प्रेम, मृत्यु, ध्यान, ये एक ही टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। ध्यान में आप डूबते हैं, अपने आप में खोते हैं, मृत्यु में तो आप इतने गहराई में डूबते हैं कि पूरा ही खो देते हैं, और प्रेम में आदमी ऐसा डूबता है कि ये लोग कहते हैं
लव इज ब्लाइंड, इतना प्रफुल्लित उन्मादित हो जाता है प्रेमी कि हरदम उसके सामने अपनी प्रेमिका की छवि या कोई लड़की है तो जिस लड़के से प्यार करती है उसका छवि हरदम दिमाग में चलता रहता है, किस प्रकार से जुड़ सके उस प्रकार। जिसने प्रेम ही नहीं किया, यदि जिसने किसी इंसान से प्रेम नहीं किया तो ईश्वर से प्रेम करने की बात तो बहुत दुख की बात है। ईश्वर से प्रेम करने से पहले किसी से प्रेम करना होगा, किसी से प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम करना होगा। यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके अंदर तो प्रेम है ही नहीं। जब आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप प्रेम किसी को दोगे कैसे? फिर वो वाला प्रेम हो जाएगा जैसे मस्तिष्कगत प्रेम कि भाई कि सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, जोड़ कितना बन जाएगा, घर कैसे बसाएंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था इसके बारे में, जोड़ तो हिसाब किताब मैथमेटिक्स का क्या जिसको कहते हैं मैथमेटिकल लव नहीं होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है क्या मोहब्बत। तो शिव कहते हैं कि आप अपने प्रेमिका के साथ में या प्रेमी के साथ में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि जैसे वह नित्य जीवन हो। ये नित्य जीवन क्या है पहले इसको समझ ले तो पूरे सेंटेंस समझ में आ जाएगा हमको। नित्य जीवन, जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, जो बीत चुका है, जो हो रहा है, जो आने वाला है, इसको हम जीवन कहते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु का जो कालखंड है इसमें जो हम गति कर रहे हैं इसको हम कहते हैं जीवन। समय एक अवधि है, एक बंदा पैदा हुआ 1950 में, मरेगा 2015 में, तो ये जो 65 ईयर्स का एक लाइफ स्पैन हुआ। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 20 साल होने के बाद में ये उसका अतीत हो गया, आपको 20th ईयर अभी चल रहा है, भविष्य आ रहा है, जो जा चुका है, जो आ रहा है, जो जा चुका है वो अभी नहीं है, जो आने वाला है वो अभी नहीं है, अभी है क्या, अभी जो है वो है नित्य जीवन, शाश्वत यही है। वर्तमान ही नित्य जीवन है। वर्तमान को समय की परिभाषा में प्रयोग करना या समय के हिसाब से तोड़ना गलत है। समय तो अतीत हो सकता है या भविष्य हो सकता है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हर पल समय चुप रहा है। ये तो ये जो हर पल समय चला जा रहा है, तो जो आप जिंदा हो, जो जीवन आपका अभी चल रहा है, जिसमें अभी आप हो, यही शाश्वत है, यही नित्य जीवन है। जैसे मृत्यु कब घटित होगी? आपकी मृत्यु अतीत में घटित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आपकी मृत्यु भविष्य में घटित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मृत्यु डेथ ना तो पास्ट में हो सकता है ना फ्यूचर में हो सकता है, मृत्यु केवल वर्तमान में अभी हो सकता है। जैसे प्रेम ना तो अतीत में हो सकता है ना भविष्य में हो सकता है, ध्यान ना अतीत में ना भविष्य में, ये सभी अभी की चीजें हैं, अभी हो सकता है। इससे कहते हैं कि नित्य जीवन, ये शाश्वत समय जो गति है समय की, एक गति हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे आपका अतीत, आप मानिए कि एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नेगेटिव ये आपका पास्ट, और वाई एक्सिस पॉजिटिव ये आपका भविष्य। ये सेंटर बीच का जो है एक्स और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है जहाँ जुड़ता है, ये खिसकता जा रहा है, ये आपका वर्तमान है, और ये वर्तमान नित्य जीवन है। जो रीत तो रहा है लेकिन रीत नहीं भी रहा है, जो रीत रहा है लेकिन नहीं रीत रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि ये समय है जो है भी और नहीं भी है? बाइबल में जो जीसस से कहा गया, किसने पूछा कि स्वर्ग में क्या होगा, वो कहते हैं कि स्वर्ग में समय नहीं होगा, क्योंकि समय में जब हम रहते हैं जो भी समय के दायरे में आएगा उसका विनाश होगा, जो कि काल के दायरे में आएगा उसका विनाश होगा। जैसे काली है,
काली समय से परे हैं, वो हरदम है, आदि शक्ति है और अभी भी है और हरदम रहेंगी, सदा सर्वदा रहेंगी। इसलिए कालातीत है, काली है, इसलिए महाकाल के ऊपर में खड़ी हुई है काली। जो महाकाल के ऊपर में अपना पैर रखकर खड़ी हुई है काली, ये बता रही है कि वो कालातीत है, वो समय के बंधन में नहीं आते। तो स्वर्ग में जीसस कहते हैं कि वहाँ समय नहीं है। तो जब आप प्रेम के क्षण में होते हैं, आलिंगनबद्ध होते हैं, वो प्रेम में पूरे डूबे हुए होते हैं, तो उस समय आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है, समय को आप भूल जाते हैं, मन जो है शून्य हो जाता है। आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते उस समय, ना ही अतीत के बारे में सोचते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? अभी, और अभी शाश्वत है, हरदम है, क्योंकि अभी फिर अभी फिर अभी, इसको कहते हैं नित्य जीवन, शिव कहते हैं नित्य जीवन। तो प्रेम में ऐसे उतरो कि जैसे आप इस नित्य जीवन में हैं। शिव ये कह रहे हैं जैसे कि शरीर की जो बोध है वो खत्म हो जाए, आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में केवल प्रेम ही प्रेम हो, इतने गहरे उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ कि तुम ही प्रेम बन जाओ। जैसे गोपियां कृष्ण ही बन जाते थे, कृष्ण गोपी बन जाते थे, उस प्रकार से जब आप अपने प्रेमी के साथ हो तो उसमें प्रेम में इतना डुबा दो कि वर्तमान में ही जियो। और ये सत्य है, आप जब गहरे प्रेम के क्षण में, आप अतीत के बारे में नहीं सोचते रहते हैं, ना ही भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, आप उस समय उसी वर्तमान में होते हैं। वर्तमान जैसे बताया कि समय का खंड नहीं है, समय के डेफिनेशन में वर्तमान नहीं आता है, केवल अतीत और भविष्य आता है। तो वर्तमान में रहने की कला जो है, टू स्टे इन द प्रेजेंट। आप मेरी किताब देखेंगे द गेट वे टू स्पिरिचुअलिटी, जो कि आपके अमेजोन में, कोबो में, फ्लिपकार्ट में, अलग अलग जगहों में फिजिकल बुक के हिसाब से, ई बुक के हिसाब से अवेलेबल है, उसको आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बारे में उसमें काफ़ी चर्चा की गई है, मन की गति के बारे में, समय के बारे में, उसको देखें, जाने और ये सीखें कला कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। जो लोग अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, उनका मन हरदम उलझन से भरा हुआ होता है, स्ट्रेसफुल होता है, या गिल्ट से भरा होता है, गलत कुछ काम किए थे अतीत में उसका पश्चाताप, भविष्य में क्या होने वाला है उसका भय, यू नो, तो एंग्जाइटी, फियर, इन चीज़ों से डायबिटीज, नींद की नहीं, नींद नहीं आना, शरीर में जितने सारे साइकोसोमेटिक इशूज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अतीत या भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं, समय के साथ जीने की कोशिश करते हैं। वर्तमान जो कि शाश्वत, जो कि नित्य जीवन है, जिसमें कि ऊर्जा है, प्राण है, उसमें जीना भूल चुके हैं, इसलिए हम अशांत हैं। जैसे ही वर्तमान में हम जीने की क्षमता प्राप्त कर लें, प्रयोग कर सकते हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम, ध्यान, मृत्यु, जैसे मैंने बताया कि सब वर्तमान में हो सकते हैं, भविष्य में नहीं हो सकता है, अतीत में हो सकता है, तो एक जरिया है, एक तरीका है इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए। तो इसको प्रयोग करके देखें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें और वर्तमान में जीना, आनंद में रहना सीखें। आत्म साक्षात्कार तब हो सकता है जहाँ रुक जाएं, थम जाएं, ठहर जाएं वर्तमान में, न कि घिसते रहें और पीटते रहें, लगे जैसे कोई पेंडुलम हो, अतीत में एक तरफ, भविष्य में एक तरफ, अतीत की तरफ, भविष्य की तरफ, बीच में रुक जाए। इसको कहते हैं बुद्ध मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, बीच में रुक जाए शांत होकर, तभी आपके आत्मदर्शन होंगे। और जब आत्मदर्शन आपका होगा, अपने से आप मिलेंगे, तब आप आनंद के सरोवर में स्थित होंगे, आनंदित। 109 चक्र है हमारे शरीर में, उनमें से मुख्य है 12 और उनमें से भी मुख्य है 9 और उनमें से भी मुख्य 7 चक्र है। चक्र माने जहां नस नाड़ियां सब एक होती हैं, वहां बीच में। तो हमारे शरीर में कई चक्र है, एक मूलाधार चक्र,
जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती गुद प्रदेश है, गुद प्रदेश के पास है वो मूलाधार, उससे ऊपर है जननेन्द्रिय के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र, और तीसरा है नाभि पे है, नाभि में जो है वो मणिपुर चक्र कहते हैं, फिर हृदय में है एक चक्र अनाहत चक्र, फिर गले में है इस चक्र को कहते हैं विशुद्धि चक्र, और दोनों भुवों के बीच में है आज्ञा चक्र। ये सब डक्टलस ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में इन सब का वर्णन है। अंग्रेजी जो सिस्टम है मेडिसिन का उसमें उन्होंने भी इन चीजों को माना, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे पूर्वज इतने हजारों साल पहले इस बात को जानते थे। अच्छा, फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड कहते हैं आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता, सिर्फ ब्लैंकनेस आते है, खालीपन। फिर थोड़ा समय के बाद वहां स्पंदन होने लगता है, तरंग का अनुभव होता है। फिर तरंगों के अनुभव के पश्चात प्रकाश अनुभव में आता है। तो तीन स्टेजेस हैं, एक ही साथ नहीं होगा। पहले तो कुछ नहीं, खालीपन होता है। फिर यदि आप लोग ध्यान कर रहे हो, सहज समाधि कर रहे हो, बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो, आपको महसूस होता होगा जब ध्यान में बैठते कुछ वाइब्रेशंस तरंगों का अनुभव आता है। कितने लोगों को तरंगों का अनुभव होता है, हाथ उठाइए। फिर तरंग बदल करके फिर ज्योति रूप होता है। घर में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के ऊपर 12 अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो, उनका नाम लो या सिर्फ हाथ करो तो वो जग जाएंगे, उनको छूने की जरूरत नहीं। हमारा सूक्ष्म शरीर 12 अंगुल पर खत्म होता है। मन इतना बड़ा है, इसको वैज्ञानिकों ने केरेलियन फोटोग्राफी वगैरह लेके तुम्हारे आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं अभी। और तुम ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो, बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बड़ा है। जब सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता है तब हमको अच्छा नहीं लगता भाई। जब भी आपको अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, उसके साथ क्या अनुभव हुआ? ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुभव में आया। जब दुख होता तो क्या अनुभव करते हैं? जैसे कुछ सिकुड़ गया हो, जैसे कोई चीज सिकुड़ता हुआ अनुभव करते हैं। ये जो चीज है जो सिकुड़ता है और फैलता है, यही हमारा मन है, यही हमारी चेतना है। तो ना समझ लो आत्महत्या करते हैं। पता क्या हो रहा उनके साथ? उनका मन सिकुड़ गया, अब शरीर रहने के लिए अच्छा नहीं लगा। अरे भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा फूंक मारो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, देखो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर वापस यथास्थिति हो जाएगा। इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मान लो आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं? आपका स्वेटर हो, शर्ट हो या कोई भी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या, अरे इससे निकलो, मुक्ति चाहिए। ऐसा ही मन सिकुड़ता है तो लगता है शरीर से हट जाओ, इसीलिए आत्महत्या करते हैं। जैसे ये लोग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, क्या होता है? सूक्ष्म शरीर फिर मजबूत होने लगता है, अपना नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, फिर कोई आत्महत्या नहीं करता। तो शरीर में एक द्वादशांत बोलते हैं, 12 अंगुल के ऊपर इधर एक चक्र है, सिर के ऊपर भी एक चक्र है, वहां आपका सूक्ष्म शरीर का अंत होता है। मगर आप साधना के जरिए इसको बढ़ाओगे तो आपका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बहुत बड़ा हो रहा है, वही ईश्वर साक्षात्कार है। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अपना कारण शरीर, जिसका व्याप्ति सब जगह है। कैसा?
जैसे टेलीविजन का जो तरंग है, वो तरंग सिर्फ आपके घर में कमरे में है कि सब जगह है? वो तरंग सब जगह व्याप्त है। ऐसे हमारे भीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना, सूक्ष्म रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगह व्याप्त हुआ है। इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार ही सतनाम सच्चा नाम है, वही अस्तित्व में इस आवाज को तुम सुन सकते हो। एक ओंकार दुनिया के कण कण में ओंकार है, दुनिया ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ओंकार है। अब शंकर कहते हैं प्रणवादि समुच्चार्या, किस ओंकार का उच्चारण करो वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लय हो जाए तो तुम भैरव को प्राप्त करोगे, भैरव अवस्था खाली हो जाओगे। तो ओंकार का ध्वनि, ओंकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागृत होते हो। अनहदे पात्र करणे अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। अनहद नाद को सुन लो अपने भीतर, या अभग्न शब्द जैसे एयर कंडीशन की आवाज आ रही है, एक साथ, या एक झरना पानी की झरने का आवाज सुनते 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 तुम शांत। जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं, जब पानी में कूदने के लिए लोग जाते हैं, कम लोग मरते हैं उसमें, पता है? वहां पानी के किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है, कुछ मन शांत हो जाता है। वैसे तालाब में नदियों में कूद के मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पंखे में लटकर के मरने वाले ज्यादा। जल की स्रोत के पास बैठ के उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो, वो खलखल की आवाज में नीरव में तुम अपने आप को खो देते हो, उस स्थिति में तुम भैरव के करीब हो जाते हो। फिर शिव कहते हैं शब्द को सुनते 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 फिर शब्द के परे चले जाना, कि शब्द भी कुछ समय के बाद बोझ लगता है, भारी लगती है। आप सबको लगता ही है ना, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर, बहुत ज्यादा कोई भजन करते रहते या कोई भी गाना चलता रहे, लगता कब इससे मुक्ति हो। जितने हम संवेदनशील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं, जो कम संवेदनशील है हार्ड रॉक पसंद करते हैं, एकदम मोटा वो रॉक बैंड। उससे क्या होता, हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर भी इन नाद का असर होता है। बेस ऑफ द स्पाइन पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। फिर वहां से ऊपर जाएंगे नाभि, नाभि में तंतुवाद्य का असर करता है। आप सितार बजाइए, वीणा बजाइए, या कोई मेटालिक स्क्रैच होता है ना, कहाँ आपको अनुभव होता है? कोई लोहे का कुर्सी या कुछ खींचे तो आपको उसका असर कहाँ पड़ता है, बताओ? पेट में पड़ता है। नाभि से हृदय तक तंतुवाद्य का है, तंतुवाद्य माने तार से बनी हुई होती है, सितार हो ये सब, गिटार सितार सब इधर। फिर हृदय से लेके गले तक का असर बांसुरी की है, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स का है। फिर वहां से चलोगे भ्रूमध्य में घंटी और
शंख। हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था। सबसे बाहर बड़े बड़े नगारी, नबत्तों, ड्रम्स, ये सब रखते थे। उधर से नीचे जाते जाते गर्भगृह में सिर्फ घंटी होती है, छोटी सी शंख होती है, घंटी होती है। अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ, कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दुनिया भर के। उनके लिए क्या कहते हैं, जिंगल बेल, जिंगल बेल, छोटी सी घंटी, छोटी सी आवाज हो, तरंग हो, जल तरंग, पियानो, इस तरह की, इन चीजों से बच्चे सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बच्चा बोलने से पहले गाता है, पहले गाए आप बोले, गाते हैं। हर व्यक्ति जीवन में गाते हैं, चाहे शवर के नीचे भी गा ले। संगीत भी एक माध्यम है। यहां शिव करे तो संगीत के माध्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो। कोई 112 विधियां हैं सारे जगत में ध्यान की, और प्रत्येक विधि अद्भुत है, और 112 विधियों से आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है। उसमें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विधियां भी हैं, इसलिए एक विधि को मानने वाला दूसरी विधि को बिल्कुल गलत कहता है। लेकिन वे 112 विधियां सभी व्यक्ति को ध्यान और शांति और आनंद और सत्य तक ले जाने का मार्ग बन जाती। इस ध्यान केंद्र पर पूरी 112 विधियों का प्रयोग करने का ख्याल है, और तब पहली बार पृथ्वी पर उस तरह का प्रयोग होगा जिसने आज तक पृथ्वी पर सारे ध्यान की प्रक्रियाओं को एक साथ एक जगह, हम एक भी व्यक्ति को वहां खोना ना चाहेंगे, वो किसी भी मार्ग से जा सके उस मार्ग पर ही उसे सुझाव दिए जा सकेंगे। अब अजीब अजीब विधियां हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। एक दो विधि मैं आपसे कहना चाहूं। तिब्बत में एक बहुत छोटी सी विधि है, बैलेंसिंग, समन, संतुलन, उस विधि का नाम है। कभी घर में खड़े हो जाएं सुबह स्नान करके, दोनों पैर फैला लें और ख्याल करें कि आपके बाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है कि दाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। अगर बाएं पर पड़ रहा है तो फिर आहिस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं, दो क्षण दाएं पर जोर को रखें फिर बाएं पर ले जाएं। एक 15 दिन सिर्फ शरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर, इसको बदलते रहें। और फिर ये तिब्बती प्रयोग कहता है कि फिर इस बात का प्रयोग करें कि दोनों पर भार न रह जाए, आप दोनों पैर के बीच में रह जाए, और एक 3 सप्ताह का प्रयोग, और जब आप बिल्कुल बीच में होंगे, भार ना बाएं पर होगा ना दाएं पर, जब आप बिल्कुल बीच में होंगे तब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक उसी क्षण में आप ध्यान में चले जाएंगे। ऊपर से देखने पर लगेगा कि इतनी सी आसान बात करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम पड़ेगी। बहुत सरल मालूम पड़ती है, 2 पंक्तियों में कही जा सकती है, लेकिन लाखों लोगों ने इस छोटे से प्रयोग के द्वारा परम आनंद को उपलब्ध किया है। जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, न बाएं पर रह जाते न दाएं पर रह जाते, जैसे ही दोनों के बीच में रह जाते, वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलेंसिंग, वो संतुलन, आपकी कॉन्शियसनेस का, चेतना का भी बैलेंसिंग हो गया, चेतना भी बैलेंस्ड हो गई, चेतना भी संतुलित हो गई, तत्काल तीर की तरह भीतर गति हो जाती। ऐसे 112 विधियां हैं सारे जगत में। इन सारी 112 विधियों पर विस्तृत वैज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान केंद्र में देना चाहता हूं, और न केवल आपको समझाया जा सके बल्कि आपको करवाया जा सके। अगर एक विधि से ना हो सके तो दूसरी विधि से करवाया जा सके। लेकिन हम आपको उस मंदिर से निराश न लौटने दें, क्योंकि 112 ये चरम विधियां हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। अगर एक विधि काम नहीं करती दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती तीसरी करेगी,
और आपकी विधि तत्काल खोज ली जा सकती है कि कौन सी विधि आप पर काम करेगी। आप पर कौन सी विधि काम करेगी इसकी खोजने की साइंस भी, इसके खोजने का भी विज्ञान है। और यदि हम इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में और देश के बाहर भी ध्यान के ऐसे विज्ञान मंदिर निर्मित कर सके तो मनुष्य जाति के लिए जो आज सर्वाधिक पीड़ा और संताप से गुजरती है, गुजर रही है, और जिसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जो जो हमने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सोचा था कि लोगों के पास भोजन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। आज दुनिया में आधी दुनिया के पास भोजन बिल्कुल ठीक है। सोचा था लोगों के पास कपड़े होंगे, मकान होंगे, अच्छे रास्ते होंगे, दवा होगी, चिकित्सा होगी, बीमारियां कम होंगी। आज आधी दुनिया के पास सब है। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी है कि जिनके पास आज सब है वे ही सर्वाधिक अशांत, बेचैन और परेशान हो गए। गरीब मुल्क एक अर्थ में सौभाग्यशाली, भूखे मरते हुए मुल्क एक अर्थ में सौभाग्यशाली, क्योंकि अभी भी उनकी आशा जीवित है। उन्हें ख्याल है कि समाजवाद आएगा, धन बढ़ेगा, धन बटेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये आशा भी उन मुल्कों की टूट गई जहां ये सब ठीक हो गया है। अब वे बड़ी निराशा में, गहन निराशा में खड़े हो गए। इतनी होपलेसनेस, इतनी आशा रहितता कभी भी मनुष्य के इतिहास में पैदा नहीं हुई थी। आज अमेरिका जितना आशाहीन है उतना पृथ्वी पर कोई भी नहीं, और आज अमेरिका मनुष्य के इतिहास में पृथ्वी का सर्वाधिक संपन्न, सर्वाधिक सुखी, हमारे अर्थों में सब कुछ जिसके पास है, और फिर भी अचानक अनुभव हो रहा है कि कुछ भी पास नहीं है। इतनी आशाहीन स्थिति का कारण एक है, हमने सोचा था जिन बातों से मिलेगा सब, वो सब डिसइल्यूजनमेंट, वो सब भ्रम टूट गए। और अब हमें वापस लौटकर सुनना पड़ेगा बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बार बहुत पहले ये कहा था कि सब भी मिल जाए मनुष्य को, लेकिन अगर स्वयं का अनुभव ना मिले तो कुछ भी मिलता नहीं। लेकिन हमें उनकी बात ख्याल में नहीं आ सकी, नहीं आ सकती थी, क्योंकि बात बड़ी काल्पनिक मालूम पड़ती थी, बहुत उटोपियन मालूम पड़ती थी। और जो लोग कहते थे धन मिल जाए, मकान मिल जाए, उनकी बात बड़ी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक मालूम पड़ती थी। इतिहास का मजाक कि जो लोग बहुत प्रैक्टिकल थे वो बहुत उटोपियन सिद्ध हुए, और जो लोग बहुत उटोपियन थे आज पृथ्वी पर वे ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सिद्ध होने के करीब। लेकिन धर्म अब पुराने रास्तों से नहीं लौटाया जा सकता, अब धर्म नए ही रास्तों से प्रवेश करेगा। उसके नए रास्ते वैज्ञानिक और तकनीकी होंगे। अब जैसे एक आदमी हिमालय जाता था, आज भी हम सोचते हैं एक आदमी हिमालय जाए तो ध्यान में जा सकता है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हिमालय किस लिए जाता था। जितना ताप कम हो जाए वातावरण में उतना भीतर प्रवेश आसान हो जाता है, लेकिन कितने लोग हिमालय जा सकते हैं। लेकिन बंबई में एक एयर कंडीशनड मेडिटेशन हॉल हो सकता है, कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिमालय पर जो ठंडक मिल सकती है वो बंबई में भी उपलब्ध हो सकती है। अब हिमालय पर जाने की व्यर्थ की दौड़ धूप है। अब तो ठीक बंबई के बीच बाजार में भी उतनी ही शीतलता उपलब्ध हो सकती जितने एक योगी को हिमालय की चोटी पर उपलब्ध होती थी। उसके आसपास भी बर्फ फैलाया जा सकता है, अगर बर्फ से ही कुछ लाभ होना है तो बर्फ फैलाया जा सकता है। अगर ऊंचाई से कुछ लाभ होता है, जमीन के ग्रेविटेशन के कम होने से कुछ लाभ होता है, तो बंबई में भी ग्रेविटेशन कम किया जा सकता है, वहां भी इतना ही उत्ताप पहुंच जाएगा, इतनी ही गर्मी पहुंच जाएगी।
एवरेस्ट पर जिस दिन जाने का रास्ता सीधा होगा उस दिन हम बस्तियां वहां भी बसा लेंगे। आने वाले भविष्य में मनुष्य जहां है वहीं सारी टेक्नोलॉजी और साइंस का उपयोग किया जा सकता है और वहीं सारी व्यवस्था की जा सकती है जो कि एक योगी को बड़ी तकलीफें उठा के व्यवस्था करनी पड़ती थी वो विज्ञान के द्वारा संभव हो गई, एक सामान्य आदमी के लिए भी सुलभ हो सकती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करके ही इस मंदिर को, ध्यान के मंदिर को निर्मित करना है। ये ध्यान का मंदिर, मंदिर सिर्फ इसी अर्थों में होगा कि वो ध्यान का है, अन्यथा वो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी। इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मनुष्य ने जो जो खोज की है आदमी के संबंध में उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। एक आदमी ध्यान करने आता है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इस आदमी को ध्यान में ले जाना आसान नहीं है। इस आदमी को ध्यान में ले जाना कठिन है, इसके रक्तचाप की जो अधिकता है वो इसके ध्यान में बाधा बनेगी। पुराने आदमी के पास रक्तचाप को नापने का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन आज के ध्यान मंदिर में रक्तचाप नापने का माध्यम हो सकता, रक्तचाप को कम करने की व्यवस्था हो सकती और फिर ध्यान में ले जाने की सुविधा बनाई जा सकती। हाँ, एक बार आदमी ध्यान में चला जाए तो रक्तचाप में जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रक्तचाप में डूबे हुए आदमी को ध्यान में जाना मुश्किल हो जाता है। सारी दुनिया के योगियों ने अल्प आहार पर जोर दिया है, कम खाने पर जोर दिया है, उपवास पर, अल्प आहार पर, कम भोजन पर, सम्यक आहार पर सारी दुनिया के योगियों ने जोर दिया है। फिर भी उनके पास अल्प आहार क्या है इसकी ठीक ठीक जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी सिवाय अनुमान के। न उन्हें कैलोरीज का कुछ पता था, न उन्हें भोजन के तत्वों का कुछ पता था। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अल्प आहार के नाम पर जो चला उससे नुकसान ही पहुंचा। आज हमारे पास बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है कि एक आदमी को कितनी कैलोरी भोजन की जरूरत है और हम ये तय कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैलोरी कम हो जाए तो उसे ध्यान में आसानी हो जाएगी, कितनी कैलोरी ज्यादा हो जाए तो कठिनाई हो जाएगी। अगर ज्यादा भोजन है तो ध्यान में कठिनाई हो जाएगी क्योंकि ज्यादा भोजन ज्यादा नींद मांगता है, उसे पचाने के लिए उतनी ज्यादा नींद चाहिए। कम भोजन कम नींद मांगता है और जितनी भीतर निद्रा कम पैदा होती हो उतना ध्यान का जागरण पैदा हो सकता है। ध्यान तो जागरण है, एक आदमी ध्यान करने बैठता है और ज्यादा भोजन करके बैठ जाता है तो फिर कठिनाई होगी। लेकिन ज्यादा भोजन से मतलब सिर्फ पेट में ज्यादा चीजें चली जाएं इससे नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने बहुत साग सब्जी खा लिया हो, पेट पर तो वजन ज्यादा हो लेकिन भोजन ज्यादा ना हुआ, और एक आदमी ने थोड़ी सी मिठाई खाई हो, पेट पर तो वजन कम हो लेकिन भोजन ज्यादा हो गया हो। और आमतौर से साधु संन्यासी मिठाई खाते रहे, दूध पीते रहे, रबड़ी लेते रहे इस बात के बिना ख्याल किए, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं था, उसका कोई साफ ख्याल नहीं था। आज हमारे पास उपाय है। एक आदमी कितना सोए इस पर निर्भर करेगा कि उसकी ध्यान की गति कैसी हो सकेगी, दोनों बातें संबंधित हैं। अगर ध्यान ठीक हो जाए तो नींद ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान को ठीक करना उतना आसान नहीं जितना नींद को ठीक कर लेना आसान है। पहले नींद ठीक कर ली जाए तो ध्यान में गति बहुत आसान हो जाए। अब लोगों के पास नींद ही नहीं है, वो रात भर सोए नहीं सुबह ध्यान करने बैठ गए। जो आदमी रात भर सोया नहीं वो ध्यान में सिर्फ सोएगा, इसलिए मंदिरों में पूजा करते हुए साधु को सुनते हुए लोग अगर सो जाते हैं तो बहुत हैरानी नहीं। मैंने तो सुना है कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं कि धर्म सभा में चले जाना चाहिए अगर नींद ना आती हो। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा पादरी अपने एक मित्र को बार बार कहता था कि तुम कभी मेरा व्याख्यान सुनने आओ, नहीं माना तो एक दिन वो मित्र सुनने गया।
पादरी अच्छे से अच्छा जो बोल सकता था बोला। बाहर जब दोनों निकलने लगे तो उसने अपने मित्र से पूछा कि कैसा लगा, तो उसने कहा बहुत ही ताजगी देने वाला, रिफ्रेशिंग। पादरी के हृदय की धड़कन खुशी से बढ़ गई। उसने कहा कौन सी बात तुम्हें इतनी ताजगी देने वाली लगी? उसने कहा कि जब मेरी नींद खोली तो मन बड़ा ताजा था, इतना तो मुझे घर भी नहीं आती तब भी इतनी ताजगी नहीं मिलती, मैं जरूर आया करूंगा, तुम्हारा भाषण बहुत रिफ्रेशिंग था। क्यों आखिर मंदिर में धर्म कथा में आदमी को नींद आ जाती, बात क्या है? बोर्डम, ऊब पैदा हो जाए नींद आ जाती, कोई चीज उबाने लगे नींद आ जाती। और नींद की कमी हो तो जल्दी ही कोई चीज उबाने लगती है। जिनको नींद नहीं आती वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, ध्यान से शायद नींद आ जाए। उन्हें पता नहीं ध्यान से नींद जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन नींद का ठीक होना ध्यान में जाने के पहले बहुत जरूरी है, अन्यथा ध्यान में जाना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए हो जाएगा कि चित्त को पहली जरूरत नींद की है, और जैसे ही विश्राम मिला चित्त सो जाएगा। और ध्यान में जरूरत है विश्राम में भी जागे हुए होने की, रिलैक्स्ड एंड अवेयर। एक तरफ सब विश्राम हो और एक तरफ सब जागा हुआ, तभी कोई ध्यान में प्रवेश कर सकता है। और नींद का नियम यह है कि यहां हम विश्राम हुए बाहर कि भीतर नींद आ गई, रिलैक्स हुए कि नींद आ गई, तो ध्यान में अक्सर लोग सो जाएंगे। अब यह सारी व्यवस्था आज की जा सकती है, नींद नापी जा सकती है, उनके सपने नापे जा सकते हैं कि कितने सपने आपको आ रहे हैं। आपको भी पता नहीं होता कितने सपने आ रहे हैं, कैसे सपने आ रहे हैं। कल ही एक साधिका मेरे पास थी, ध्यान करना है उसे। मैंने उसके सपनों के बाबत पूछा, उसने कहा कि सपनों से क्या मतलब आपको, मुझे ध्यान करना। मैंने उससे कहा कि मुझे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने ही मुझे बताएंगे कि तुम्हें सच में ध्यान करना है या कुछ और करना है। उसने कहा सपने में तो मुझे सिवाय काम वासना के और हिंसा के, हत्या के, आग लगा देने के, इस तरह के सपने आते हैं। तो मैंने कहा कि वही तुम्हारा चित्त करना चाहता है, अभी ध्यान मुश्किल पड़ेगा, पहले तो तुम्हारे सपनों को शुद्ध करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना है, वो अगर अपने सपनों को भी शुद्ध ना कर पाए तो स्वयं को शुद्ध नहीं कर पाएगा। सपने जैसी साधारण चीज भी अशुद्ध हो तो स्वयं का शुद्ध होना बहुत मुश्किल है। जिसके सपने भी अभी सात्विक ना हो पाए हो, उसका सत्व सात्विक हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। जिसके सपने अभी शांत ना हो पाए हो, उसकी सत्ता शांत हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से पहले सपने की जांचने की कोई सुविधा ना थी। इस ध्यान केंद्र में सपने के जांचने की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं। अब तो इंतजाम है, जैसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है, वैसे ही आपके रात नींद के सपने का ग्राफ बन जाता है कि आपने कितनी देर सपने देखे, किस तरह के सपने देखे, वायलेंट थे, नॉन वायलेंट थे, सेक्सुअल थे, नहीं थे सेक्सुअल, क्या था, सपने किस तरह के थे, इसकी काफी जानकारी ग्राफ दे देता है। और कितना सपना देखा रात भर, क्योंकि ये जान के आप हैरान होंगे कि सपनों के संबंध में जितनी जानकारी बढ़ी है उतना ये प्रतीत हुआ है कि चित्त के भीतर भी वेव्स हैं, तरंगे हैं। जब सपना चलता है तो तरंगें और तरह की होती, जब सपना बंद होता है तो और तरह की होती। और बड़े आश्चर्य की बात है कि गहरी नींद में जो तरंगों की स्थिति होती है वही स्थिति ध्यान की तरंगों में भी होती। ध्यान में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें वैसी ही होती हैं जैसी तरंगें गहरी निद्रा में होती, और जब कोई व्यक्ति सपने में होता है तो तरंगें वैसी ही होती हैं जैसे जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है। चिंता और स्वप्नों का जोड़ है गहरी निद्रा और ध्यान का जोड़ है। ये सारी वैज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान मंदिर में करने का ख्याल है, और प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से सहायता पहुंचाई जा सके ये दृष्टि। और मेरे देखे
आज मनुष्य को ध्यान की जितनी जरूरत है उतनी किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य जितना अशांत है उतना मनुष्य अशांत कभी भी नहीं था।